है कि फिर गरीब को जम्मू कश्मीर के लोगों को कटोरा लेके हिन्दुस्तान की सीनेटों में पहुंचाओ, यहां के भ्रूण की रेटें खत्म करो, यहां के अखरोट की रेटें खत्म करो, यहां के बेरोजगार को रोजगार मत दो ताकि ये गरीब से गरीब हो जाए, ये कटोरा लेके हिन्दुस्तान में पहुंच जाए और तमाम बर्बाद हो जाए। इसके लिए बीजेपी का मिशन हमारी पार्लियामेंट की सीटें जो है वो कांग्रेस को देने की जरूरत है ताकि ये डबल इंजन की सरकार तबाह हो जाए, क्योंकि उन्होंने तबाही और बर्बादी के बगैर कुछ नहीं दिया। यहाँ पे बुजुर्ग रुपए थे, उन्होंने कहा 250 रुपए की तेल बोतल है, सच है। आटा जो कांग्रेस में 10 रुपए किलो होता था आज 23 रुपए है, जो चावल कांग्रेस के टाइम में 30 रुपए किलो होता था आज 70 रुपए पहुंच चुका है। जब कांग्रेस का वक्त था गैस सिलेंडर 460 रुपए का था, यही नरेंद्र मोदी नारा देता था, कहता था अगर हमारी सरकार आई मैं 250 रुपए का गैस सिलेंडर दूंगा। लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही है, वजह यही है कि आजा इनसे बचो, ये नेता दूसरा लगा के आए हैं। मेरे भाइयों ये बात हर जगह पहुंचाने की जरूरत है, बाकी लोग जो है इन लोगों से खबरदार रहे, हमें किसी से जाती जिद नहीं है, लेकिन उसूलों की बात है। विकास उसूलों ने अगर 20 साल किसी के नारे दिए वो उसी गुलाम नबी आजाद के लिए दिए, जब उसके उसूल बदले, जब उसकी पार्टी बदली, जब वो उस पार्टी से निकला जिस पार्टी ने उसको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था, जिस पार्टी ने उसको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के बगैर सब कुछ दिया, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चीफ मिनिस्ट्री हो, 40 साल पार्लियामेंट हो, उम्र भर जनरल सेक्रेटरी हो, उम्र भर CWC हो, जब वो वहां से बेवफाई कर गया तो हमारा दिल भी उनके लिए बेवफा हो गया, हमारा दिल भी अपनी पार्टी के लिए वफादार हो गया, इसका हमेशा वफादार हो गया। लिहाजा मैं ना कहते हुए ज्यादा ना कहते हुए ये कहूंगा आपको, आप सब लोग खाना खाएंगे मेरी स्पीच के बाद, लेकिन जो सीनियर लीडर यहाँ बैठे हैं मेरे साथ डोडा बदवा किश्तवाड़ के और मेरे हमारे यहाँ मनोज यादव जी भी आए हैं जो ICC से ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, तो मैं